वेलकम बैक टू माई चैनल बिहारी गर्ल नेहा। तो होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है रामनवमी, हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। और मैं आई हूँ डीएस कॉलेज, आप लोग बहुत सारे लोग पहचानते भी होंगे। और मेरे साथ आई है मेरी मिली। Hi. और हम लोग आए हैं एक्चुअली वो जो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, शोभा यात्रा निकलती है हमारे साइड बहुत ही धूमधाम से रामनवमी के टाइम। तो मैंने सोचा इसको तो शूट ज़रूर ही करना है, क्योंकि आप लोगों को दिखाना भी ज़रूरी है कि लाइक कैसे होता है हमारे साइड शोभा यात्रा और किस तरह का प्रोसेस एंड ऑल होता है। वैसे तो मैं सुबह भी गई थी, जब शोभा यात्रा निकली थी यहाँ से, डीएस कॉलेज से ही निकलती है, अभी वापस आने का टाइम है। तो मैंने सोचा ये भी शूट कर लूँ और आप लोगों को दिखाऊँ। तो आप लोग बने रहो ब्लॉग में ताकि आप लोगों को पूरा देखने को मिले। ये सारे एरिया से हम लोगों का बहुत सारा मेमोरी जुड़ा हुआ है, हम लोग बहुत मस्ती किए यहाँ पे बैठ बैठ के। और स्पेशली ये पेड़ के पास, मतलब मोस्ट फेवरेट प्लेस था हम लोग का यहाँ पे बैठ के वीडियो और मस्ती। याद है अब तो हम लोग बड़े हो गए, अब तो हम लोग बड़े हो गए, ग्रेजुएट हो गए, अब हम लोग कॉलेज किस लिए आएंगे, मुँह देखने के लिए सबका। बट हाँ, हम लोग चाहते थे कि थोड़ा और लंबा चलता तो और अच्छा रहता। हमारे बच्चे आएंगे इसी कॉलेज में। जी, इसको शादी की बहुत जल्दी, मुझे नहीं, आप लोग में से जो जो इंटरेस्टेड हो इसे शादी करने के लिए, प्लीज कॉन्टेक्ट होंगे। और मैं मौजी बनूंगी, मुझे अभी शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अभी स्टेबल होना है लाइफ में, कुछ करना है उसके बाद। इसको बहुत, इसको मैं मान लेती हूँ 10 साल के बाद ही करेगी, तभी बच्चे होंगे, तभी इनको कॉलेज लेकर के। ये सुबह के वक्त की थी जब शोभा यात्रा निकल रही थी और ये मेरे साइड से ही निकलती है, तभी मैं भी गई थी। तो वो सारे जो भीड़ आप लोग देख रहे हो, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे कई 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 ज़्यादा लोग थे और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ऑब्वियसली त्यौहार आती है तो उसके साथ साथ खुशियाँ भी आती है। यही तो हमारे भारत की संस्कृति है कि चाहे किसी भी धर्म के लोग हो, पर त्यौहार के समय सब एकजुट होकर खुशियां मनाते हैं। जैसे कि आप लोग भी देख सकते हो किस तरह से ये लोग शरबत पानी ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हमारे बीच। और मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा। और ये अंकल को भी आप लोग देख सकते हो कि कैसे हमारे त्यौहार में शामिल होकर डांस कर रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं। इसमें आप लोग देख पा रहे हो जितनी भीड़, इससे कई ज़्यादा भीड़ थी और कई ज़्यादा लोग थे वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि पूरे कटिहार के ही लोग आके शामिल हो गए हैं और इतना खूबसूरत और इतना अच्छा लग रहा था। लग रहा है बहुत सारे लोग आ गए हैं यार, कितना सुंदर लगता है जब ये वाला भगवा रंग में हनुमान जी का ये ध्वजा देखते हैं, तो मतलब दिल से खुशी मिलती है, खुशी है। हाँ, एक सुकून है, एक शांति है।
आई गेस बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कुछ लोग रास्ते में हैं। वैसे मैंने फ़ोन किया था अपने भाई को, मेरे भाई भी गया था उस शोभा यात्रा में, वो आ रहा है कुछ देर में। वो बोला अभी दुर्गा स्थान के साइड में, कुछ देर में आएगा। वो लोग कंट्रोल का क्या बोलते हैं, चरम सीमा पे हम लोग पहुंच गए थे, बर्दाश्त के बाहर हो गया था, इसलिए अब हम लोगों को खाना है गोला, यम यम गोला। हाँ, मेरा नाम नेहा, नेहा वर्णवाल, जानते हो? She is a blogger. हर जगह बोलने लगती है। देखो यार इंडियन फ्लैग कितना मस्त लग रहा है, कपल वाला फील आ रहा है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? कपल वाला फील आ रहा है हम लोगों को, कपल वाला फील। अरे रुको यार, कपल वाला फील। इतने सिंगल, ओ भाई इतने सिंगल है, इतने सिंगल है। मैंने इसे इतना देखा कि ये गल के टूट गया। बताओ पोपट हो गया मेरा। कैसा लगा आपको हमारे कटिहार में आगे? बहुत बढ़िया। बहुत या बहुत ज्यादा? बहुत अच्छा जगह, अच्छा जगह लगा ना। लोग कैसे लगे आपको? बहुत बढ़िया। और ड्यूटी करके मजा आया? बहुत अच्छा। और यहाँ पे देखो राम भक्त कितने सारे हैं ना, इससे मजा आया ना। ओके, इससे भी बात कर रहे थे, वो वहाँ चढ़ गए कितने ऊपर। देखो आप लोग, ऐसे होती है हमारे यहाँ की शोभा यात्रा। ये तो कुछ भी नहीं, अभी इतनी ज्यादा भीड़ होने वाली है यहाँ पे, मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। अभी ये लोग बस इन्हीं कर रहे हैं अंदर। जय श्री राम। देखो आप लोग शायद पहचानते होंगे क्योंकि ये पहले भी मेरे ब्लॉग में आ चुके हैं। अरे श्री राम का, सॉरी हनुमान जी का। जय श्री राम। मगर तुम ना गाइज, तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। होप आप लोग को पसंद आया हो ये ब्लॉग, और पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।